गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और वो भी यहाँ पे खड़े होकर। पीछे आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा इस हमारे घर से दिखता है और यहाँ भी जितने भी घर हैं कितने ज़्यादा मतलब प्यारे प्यारे लगते हैं। घर के बीच घर कम है और यहाँ पर ग्रीनरी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी तो मिस्टर आज गए हैं इंस्टीट्यूट पे अपना कोचिंग पढ़ाने के लिए। सुबह सुबह वो जाते हैं स्कूल और स्कूल से आने के बाद थोड़ा मतलब 10-15 मिनट घर पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो आते हैं शाम को, तब तक थोड़ी देर में रात ही हो जाती है, इसलिए हम लोग का ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका ब्लॉग लेट क्यों आ रहा है, तो यही वजह है। बाकी आज मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल आता नहीं है बनाने, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके बनाया हुआ है। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है, और अच्छा लगेगा तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा आप लोग। बाकी हमारा ब्लॉग जो है ये नीरज शूट कर रहा है, जितने भी रील्स ब्लॉग है वो अभी नीरज शूट कर रहा है, काफ़ी अच्छा शूट कर लेता है। तो अभी हम चलते हैं घर में, और यहाँ तो काफ़ी डर भी लग रहा है कभी कभी, इधर जंगल भी है तो थोड़ा सांप वाप का मुझे बहुत डर लगता है, कभी कभी आ भी जाता है। तभी चलते हैं हम पहले रूम के अंदर, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। गाइस तो अभी तक मिस्टर आज आए नहीं, बाकी आप लोग मेरे को देख सकते हो। ओह माय गॉड, वेरी जेली पैनिक कर देता है यार। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिस्टर जी क्या कौन से कैसे से क्लास कर रही है, ब्लड ग्रुप, वही तो ब्लड डोनेशन का सब प्रकार। अच्छा बाल कौन बांधे? हम खुद से बांधे। आता है आपको ऐसे? हम ट्राई किए फर्स्ट टाइम, अच्छा लग रहा है। वही तो हम बोले हम कभी स्टाइल नहीं करते हैं मतलब बाल वाला, लेकिन आज छोटी की है, अच्छा लग रहा है ना। निशा दी यहाँ पढ़ रही हैं, बाकी निशा दी कह रही है वाह बाल किसने बांधा, तो मैं खुद ही बांधी। मैं मतलब ऐसे वही तो मतलब ऐसे करके इस साइड का हो गया, इस साइड का थोड़ा नहीं हो रहा था। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, फटाफट कर लिए। अच्छा मेरे को लग रहा था ट्रीटमेंट करना आप ही बना देंगे। जेरी का पॉटी लग गया पैर में। हम चलते हैं बाहर क्योंकि जेरी इतना ना पॉटी कर रहा है, नीचे पता ही नहीं चल पा रहा है। तो अभी मेरा ये पैर में ना पॉटी लग गया है, तो अभी इसको साफ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे बाहर मुझे नल देख रहे, मेरा साड़ी घूम रहा है। तो हे गाइस आज का मौसम कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करना। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ज़्यादा धूप भी नहीं और शाम भी हो रही है, इतना जल्दी जल्दी टाइम हो जा रहा है, क्या ही होता है। अभी 4 भी बजने वाला है, मतलब 3 बज गया है, 4 भी बजने वाला है। थोड़ा बाहर भी घूम लेते हैं, और बाहर का कुछ ऐसे नज़ारा है आप लोग देख रहे हैं। खूब सारा आप लोग ब्लॉग देखिए और खूब इंजॉय करिए। वैसे आप ब्लॉग थोड़ा सा कल संडे है तो मस्त मस्त बनने वाला है। बाकी ये मेरा हेयर थोड़ा सा ज़्यादा हेयर स्टाइल तो नहीं आता है, लेकिन ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई की। वैसे निशा दी को अच्छा लगा, फाइनली किसी एक को तो अच्छा लगा है ना। अब चलते हैं हम। और मैं साड़ी भी कैसे कैसे से हो गया है, बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नीचे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आपका कॉलेज आने के टाइम तबीयत खराब नहीं होता, खराब हो जाता है ब्लॉगिंग करने के टाइम, वीडियो बनाने के टाइम तबीयत खराब नहीं होता, वीडियो बनाना पड़ता ही है हमें। अब हम क्या बताएं आप लोगों से, आप समझदार जो लोग हैं वो समझ सकते हैं। क्लास में तो बार बार खांसेंगे नहीं ना, और सारे बच्चे देखने लगते हैं, और ये भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा देर के बाद आ रहा है, इसलिए हम ब्लॉग भी कैसे बना रहे हैं खुद हम जान रहे हैं आप लोगों के लिए। कहीं भी टॉयलेट कर देता है ये रूम में, वाइट फर्श से बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो अभी पैर साफ करके आ गए हैं, लेकिन अभी हम कमेंट पढ़ रहे थे, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था। कमेंट में क्या था, बहुत सारे लोग निशा दीदी को जैसे कि इनके भैया जो बोल रहे थे, वैसे बहुत सारे लोग कमेंट किए थे आपको कि आप बहुत लकी हैं जो आपके इतने अच्छे भैया हैं, केयर करते हैं। तो ये तो बात सच है, वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि उन्हें हम दोनों से ज़्यादा उनको पता है कि कैसे क्या करना है, केयर करना है, नॉलेज होता है, वो देख चुके हैं। और मेन बात है कि कुछ लोग का ये भी कमेंट आ रहा था कि निशा दीदी अभी लास्ट पोजीशन पे है, थोड़ा संभाल के रहिए, मतलब जो भी है ध्यान रखने के लिए। हाँ तो आप भी बताइए ऐसा क्यों करते हैं। वैसे वो कितना भी बिजी हैं, अगर उनसे मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनसे अगर बोला जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसका
वो वैसा नहीं करने देते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है, और आजकल की लाइफ हाँ. में पता ही है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का डर होता है. तो इसलिए लाइटली नहीं मिलना चाहिए, मांगते हैं. उनका मतलब ये कहना है कि स्कूटी जो होता है वो बहुत ही उतना ज़्यादा उसका जो चक्का होता है आप लोगों को पता ही है थोड़ा अलग होता है. मानते हैं कहीं स्कीड कर गया चाहे कुछ भी हो उसमें थोड़ा डर रहता है. और बाइक कार अगर हम कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास तो उतना डर भी नहीं रहता है. वैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है ये भी कि मनीषा दीदी तो गुड न्यूज़ दे दी आपको दोगे अभी तो मेरा हाँ आपके चैनल पर भी आ रहा था क्योंकि सबका गुड न्यूज़ आ गया. बस मेरे को लग रहा है कि मैं ही बाकी हूँ. तो मेरा अब जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी आप लोग पता है हम दोनों का लाइफ देख के आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा भाग दौड़ की मतलब ज़िंदगी है हमारी, इतना ज़्यादा है कि हम क्या ही बताएं. तो अभी हम इस बारे में अभी नहीं सोचेंगे, पहले हाँ. अभी जो है वो है ऐसे घर में एक छोटा सा बेबी तो आ ही रहा है और बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यार. और इनके जो भैया हैं वो भी मतलब हमेशा बोलते हैं रहते हैं अगर हम लोग मार्केट में कभी भी जाते हैं तो वो नारियल पानी मतलब बोलते हैं कि चलो इसको लेके नहीं, तो इनको खूब चढ़ाते हैं कि काला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तो आप लोग कमेंट करना कि क्या नारियल पानी से सच में बच्चे गोरे होते हैं या फिर ऐसे ही आप लोग कमेंट करें. पोटेशियम रहता है, मैंने स्टडी की. मेरे को तो लग रहा है ना कि मतलब नारियल पानी से एक तरह का ये भी फायदा होता है कि शरीर में पानी भी हाँ पोटेशियम रहता है जिसके कारण वो फायदेमंद होता है. और पानी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें तो ज़्यादा ज़्यादा पानी भी पीना पड़ता है, भूख भी बार बार लगती है. तो वैसे निशा दी को देख के हमको भी थोड़ा थोड़ा अभी मैंने पता चल गया खाना खाती है बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन टाइम टाइम पे भूख लग जाता है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा टाइम पे भूख. डॉक्टर ने एडवाइस किया कि एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा सा खाना है और पानी ज़्यादा पीना है, फल ज़्यादा खाना है, लेकिन अनाज ये सब बोली कि कम कर दो. फ्रूट वगैरह ग्रीन वेज ये सब खाया भी नहीं जाता है उतना, बिल्कुल मन नहीं करता. कल हम किचन में थे जब निशा दीदी के साथ, तो हम लास्ट टाइम पूछे कि निशा दी आपको ऐसा कुछ पसंद है जो कि खाने का मन कर रहा है. तो मतलब एक होता है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चे का वो लार टपकने लगता है मतलब बाद में अगर नहीं होता है तो इसलिए हाँ. हम पूछ लिए एक बार तो बोले कि नहीं मुझे बस इमली खाने का मन कर रहा है. तो हम सोच रहे हैं आज मार्केट जाएंगे और निशा दी के लिए इमली लेके आएंगे क्योंकि हम मानते हैं इतना कुछ भी मन नहीं कर रहा है अगर इमली खाने का मन कर रहा है तो हमें इमली लाना चाहिए. और वैसे अब तो ये मार्केट भी अब नहीं जाती मतलब कहीं भी ट्रैवल नहीं करती हैं, इसलिए इनको सिर्फ जाना होता है तो हॉस्पिटल ही जाती है, बाकी कहीं भी ट्रैवल नहीं करती क्योंकि इस सिचुएशन में ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है. ज़्यादा निकलना भी नहीं चाहिए वरना लास्ट टाइम जो हम लोग डेली शाम को जाते थे, डेली हम लोग शाम को जाते थे, डेली कहीं भी जाना होता है मूवी देखने कहीं भी चले जाओ. लेकिन अब क्या है कि बाइक कार भी कहीं जाना ठीक नहीं लगता है क्योंकि कार से आप लोगों को पता है कि अब एकदम नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है. कैसे जाना भी सेफ नहीं है ना. हाँ और मेन बात है कि ये भी रहता है कि कुछ टाइम है, अब तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है. बस देखते हैं आप लोग को अभी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिलने वाला है कि और मिस्टर राज का बर्थडे आएगा, लेकिन उस टाइम भी आप सभी आपका भी तो बर्थडे आएगा. मेरा तो अभी बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है लेकिन उसका तैयारी अभी पता नहीं मेरे को नहीं लग रहा है कर रही हूँ या नहीं. सरप्राइज है क्योंकि वो जो होता है ना हमारा बर्थडे इस बार लग ही नहीं रहा है कि हमारा बर्थडे आने वाला है क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे बर्थडे टाइम. लेकिन मिस्टर राज का जो बर्थडे आएगा उसमें तो बहुत सारे अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आएगी जो कि आप लोग क्या बताएं अभी वो बात नहीं बताया गया है ना. वैसे तो आप लोग अभी ऐसे देख रहे हैं लेकिन उस टाइम बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है. तो आप लोग बस बने रहो ब्लॉग में और खूब सा इन्जॉय करो. ऐसे निशा दी का हम 4-5 मिनट टाइम खींच लिए, हम तो खुद ही अलग रूम में बगल वाले रूम में रहते हैं और हमको भी बहुत सारा ट्रॉली बैग में इतने सारे कपड़े हैं कि खुद ही मैं 12 बजे के बाद मतलब वीडियो शूट करने के बाद मैं खुद ही सोचती हूँ कि क्या करूँ यार. जैसे ही कुछ करने आती हूँ वैसे ही शाम हो जाता है, अभी 4 बजने भी वाला है, 3:30 तो हो ही गया है, उसके बाद सब लोग आएंगे फिर खाना पीना खाएंगे फिर रात होगा, फिर रात खाना पीना पता नहीं चलता है. तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग को भी बहुत बेसब्री से इंतजार है. बहुत सारे लोग पहले तो निशा दीदी को बोल रहे थे कि निशा दीदी आपको अब गुड न्यूज़ सुना रही है, जैसे निशा दीदी सुना दी है वैसे मेरे को भी बोल रहे पहले दोनों को बोलते थे अब हम भी आप लोग को हम भी कर देंगे. जैसे ही होगा जैसे ही ऐसा कभी बात आएगा तो फिर निशा दी का थोड़ा लेट हो गया बताने में इसलिए कि ये बिहार मतलब गांव चली गई थी और वहां पे अकेले बताना मतलब अच्छा नहीं लगा क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर हम लोग के साथ मतलब
ये सब कुछ हम लोग किए हैं तो थोड़ा हम लोग अच्छा साथ ही बताना अच्छा रहेगा क्या। तो आप गांव चली गई तो गांव पे क्यों नहीं रिवील की? फिर गांव पे ये यहाँ पे थे ना, हाँ। ये यहाँ पे रह गए थे, वो ये भी वहाँ पे रहते तो फिर रिवील कर देते, बट यहाँ पे वो थे नहीं तो हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि गांव पे मतलब वहां पे भी बहुत अच्छा लगता आप लोगों को क्योंकि वहां पे भी पूरी फैमिली थी, लेकिन मेन था कि जीजू का यहां पे क्लास चल रहा था इसलिए जीजू की शादी को हम लोग सोचे कि चलो यहां पे रहेंगी तो अपना साथ। और मेन है कि आपका हॉस्पिटल ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरे कॉलेज का ना, मेरे कॉलेज का जो हॉस्पिटल है ना वाकई में बहुत अच्छा है। बिहार में वहाँ का मुझे एकदम सेटिस्फाई मतलब कुछ अलग ही था यहाँ का, जैसे मैं तीन महीने यहाँ पे वहाँ पे भी। ये भी है ना मतलब हमारे हॉस्पिटल में एक चीज़ ये भी बताया गया, मतलब एक लेडीज़ क्या बता रही थी कि यहाँ पे ज़्यादातर सोचे मतलब जितने भी डॉक्टर हैं ना वो चाहते हैं कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो, हाँ। वो डायरेक्ट सिजेरियन नहीं करते हमारे कॉलेज के डॉक्टर, हाँ। और पता नहीं वहाँ का तो नहीं पता वहाँ का मतलब इतना भीड़ भाड़ इतना, यहाँ पे अच्छे से डॉक्टर आपको सब चीज़ समझाते हैं, पूरा रिपोर्ट समझाते हैं, एडवाइस देते हैं, मतलब खुल के सारा बात सब कुछ बताते हैं, बट वहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस की तरह है, आई पेशेंट देखे गई, मतलब कुछ ना बताना है ना बोलना है हमको, चर्चा नहीं तो बोले भाई मुझे वहीं के डॉक्टर ठीक लगे, वरना तो वहाँ पे सोची थी कोलकाता चली जाऊँगी अपने घर, कोलकाता के भी अच्छे डॉक्टर हैं वैसे, हाँ। लेकिन तो मैंने फिर सोचा कि तीन जगह हो जाएगा, ऐसे अम्बाला हो गया, बिहार हो गया, फिर कोलकाता भी हो जाएगा, तो हाँ। एक ही प्लेस सही रहता है। वैसे बेबी हो गया तो भाई वो तो आना जाना रहेगा क्या। तो अब अभी हमारा फ़ोन भी चार्ज नहीं है इसलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, थोड़ा सा बैठ के बातचीत भी कर लिए ब्लॉग के बहाने, वैसे ये भी पढ़ते रहती हैं हम भी कुछ कुछ काम करते रहते हैं, वीडियो में लगे रहते हैं या फिर ये तो कॉलेज चली गई तो बस हो गया छुट्टी अभी हम। अच्छा बहुत सारे लोग कमेंट किया था ना कि आप बताइए मेरे को कितना जोरदार खांसी है ना सुबह, हाँ। सुबह में भी हम ऐसे पानी गर्म पानी कर रही है और सुबह में भी हो रहा था तो पूरा एकदम नाक से पानी निकल गया था, हम आपको लगा उल्टी हो रहा है क्या, और जान उसमें निशा जी दौड़ गई और उसमें आप लोग भी बोल रहे हो कि अरे यार वीडियो बनाने के टाइम तो ठीक रहती है और ऐसे तो ऐसे देखिए मुरझाया हुआ सा मुँह चेहरा लेके वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को भी पसंद नहीं है, तो वीडियो के लिए स्माइल करना पड़ता है, चाहे मन अच्छा हो तबीयत अच्छा हो ना हो ऐसा नहीं है, और ऐसे सिंपल आओ तो भी आप लोग का कमेंट आता है, खुद को रेडियो किया हो तो भी बीमारी मिलती सर से जाती है, मतलब ऐसे मत करो यार, इतना हम लोग खुद मेहनत करते हैं, मतलब इसमें कुछ ही कम लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, बाकी हम लोग फिर भी उन लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं कि वो लोग समझे हमारी बातों को। तब रहने देते इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, एक बात करते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि इनकी चैनल पर जो वीडियो आया था वो कैसा लगा, रिएक्शन वाला, हाँ रिएक्शन वाला कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और बातें बताएंगे जो हम दोनों का सिर्फ पता है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।